नमस्कार बच्चों, चलिए आज हम पांचवी कक्षा में गणित चैप्टर एक मछली उछली अध्याय के तहत इसमें वर्कशीट तीन जिसमें हम समय ज्ञात करेंगे, समय ज्ञात करने की वर्कशीट देखते हैं। इसमें क्या करना है, दूरी, चाल और समय। दूरी आपने ज्ञात कर चुके हैं, चाल आपको पता है, समय आप सभी जानते होंगे, समय हमेशा घंटों, मिनट या सेकंड में होता है। समय किसमें होता है बच्चों, समय या तो घंटों में होता है या मिनट में या फिर सेकंड में हो सकता है। आइए पता लगाते हैं कि विभिन्न प्रकार की नावें एक निश्चित दी हुई चाल से एक निश्चित दूरी को कितने समय में पूरा करती है। पहले प्रकार की नाव, गठे वाले नाव, उसकी चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर। आपने समय याद करना है, सूत्र वही है हमारा, लिखेंगे एक भाग करेंगे पहले का, दूरी बराबर है 60 किलोमीटर, चाल बराबर है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि दूरी की इकाई किलोमीटर, चाल की इकाई किलोमीटर, ये दोनों इकाई बराबर होनी चाहिए। अगर यहां पर कोई मीटर में है तो उसको हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं बड़ी सारी से। अब समय निकालने के समय का सूत्र आपको पता है, दूरी भाग चाल, दूरी कितनी है, 60 भाग चाल, चाल 60 को 4 से भाग कर सकते हैं आप, 60/4 कर सकते हैं, काट लेंगे या भाग कर लेंगे मर्जी आपकी, तो 15 आएगा। तो समय हमेशा घंटे में आता है, तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 15 घंटे, क्योंकि लकड़ी की नाव बहुत धीरे धीरे चलती है, पट्टों की होती है, चप्पू की सहायता चलती है। दूसरी फिर मोटर बोट की निकाल लेंगे, मोटर बोट तो मोटर लगी होती है, बहुत तेज गति से चलती है, तो ये समुद्र में बहुत जल्दी पहुंच जाती है क्योंकि मोटर की सहायता से चलती है ना। अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट अगर खुद करना है, तीसरा पार्ट भी इसी प्रकार से है, उसमें लिखेंगे दूरी बराबर है 60 किलोमीटर, इसकी चाल कितनी है, चाल यहां पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा। समय याद करेंगे, आइए सूत्र लगाएंगे समय का, समय बराबर है दूरी भाग चाल। मैं सूत्र आपको समझा चुका हूं, सूत्र आपने रटने नहीं है, सूत्र आपने निकालने हैं। पिछली वीडियो जो मैंने बताई थी जिसमें समय के बारे में विस्तार से बताया था, वो पूरी वीडियो देखनी है और वहां पर पता लगाना है कि सूत्र कैसे बना। बच्चों इकाई विधि से सूत्र बनते हैं हमारे, 60/20, तो भाग कर देंगे 60/20, भाग का मतलब बटा होता है ना, बराबर इसमें भाग देना, डिवाइड करना, 20 को 3 आ जाएगा, 3 क्या आ गया, घंटा, यानी कि मशीनी नाव 3 घंटे में ही 60 किलोमीटर चली जाएगी, और जबकि लट्ठे वाले नाव को 15 घंटे लगेंगे बच्चों। तो ये मशीन की सहायता से बहुत तेज गति से चलती है ना, इसकी स्पीड बहुत तेज है, देखो स्पीड में कितना अंतर है, चाल में कितना अंतर है, चाल को इंग्लिश में स्पीड भी कहते हैं, इसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसकी स्पीड 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो जिसकी स्पीड ज्यादा है वो जल्दी पहुंच जाएगी, तो ये जल्दी पहुंच जाएगी, और ये तो 22 इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है, तो ये तो और भी जल्दी पहुंच जाएगी, तो ये सबसे जल्दी मशीनी नाव पहुंचेगी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4, 22 किलोमीटर, अब दूरी कितनी है, 4×4 = 22 की दूरी बराबर है 55 किलोमीटर और चाल बराबर है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने गणित में बराबर के नीचे बराबर लगाने हैं, समय ज्ञात करना है, समय ज्ञात करने के लिए सूत्र दूरी भाग चाल। ये सूत्र कहां से आया ये मैं बता देता हूं आपको, हमारा सूत्र है दूरी का, दूरी बराबर है चाल गुणा समय, ये हमारा सूत्र बेसिक है। अगर समय निकालेंगे तो इधर चाल को ले आएंगे, दूरी के बटा चाल को ले आएंगे, और अगर चाल निकालेंगे तो समय को ले आएंगे,
इस प्रकार से एक सूत्र से हमारा सूत्र बनता है, और ये भी सूत्र नहीं है, इकाई विधि से आपके पास सूत्र तैयार करना है अपने खुद, सूत्र को कभी रटना नहीं है, गणित को आसान सरल बनाना है आपने। चलिए करते हैं 55/22, 55 को हम 22 से ऐसे बटा कर सकते हैं, कितना आया बच्चों 11 बटा 11 बजे 55 11 दूनी 22 5/2 घंटे, इसको हम सही में कर सकते हैं, कितने घंटे पूरे हो गए 2 दूनी 4 दो घंटे पूरे हो गए 2 घंटे और कितना बच गया हमारा 1/2 घंटा यानी कि 2 घंटे और आधा घंटे, इसको कह सकते हैं 2 सही 1/2 घंटे या 2 घंटा 30 मिनट भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि आधा घंटा 30 मिनट बनते हैं आधा घंटे में, आपको पता है कि 1 घंटा 60 मिनट का और आधे घंटे में 30 मिनट बनते हैं, इस प्रकार से आप इसको क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए और प्रश्न देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2, मोटर बोट 80 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगी, उसी प्रकार से सीधा निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सीधा ही करूं मैं, समय बराबर है दूरी भाग चाल, यानी कि 85 भाग दूरी कितनी है 85 किलोमीटर और मोटरबोट की चाल 20 तो भाग 20 तो कितना है बच्चों 85 20, इसको भाग कर सकते दोनों तो 5 से भाग होते हैं तो 5 से भाग करें छोटी भी मिल जाएगी, पहले 5 से भाग करें 17 5 से कम 5 तो 5 चौके 20। अब इसको ये अनुचित भिन्न है ना, भिन्नों वाले अध्याय में हम बता चुके हैं आपको ये अनुचित भिन्न है, इसको सही करेंगे मिश्रित भिन्न बदल देंगे, 17 को ऐसे रख के 4 से 4 चौके 16 एक 4 हमारे पूरे आ गए और 1/4 घंटे आ गए, यानी कि 4 घंटे 4 सही 1/4 घंटे आ गएगा और इसका क्या बढ़ेगा बच्चों 4 घंटे 1/4 1/4 कितना होता है 1 घंटे का 60 मिनट और 1/4 उसका चौथा हिस्सा यानी कि 15 चौके 60 तो 15 मिनट आएगा 15 मिनट, ये भी कर सकते हो, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, दोनों ही उत्तर आपके सही है, जो आपको अपनी सुविधा के अनुसार से लगता है वही आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3, लकड़ी के लट्ठे वाले नाव को 10 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, इसी प्रकार से आप करेंगे। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए, पांचवा क्वेश्चन छठा क्वेश्चन सब क्वेश्चन आपके लिए है। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, कौन सा 7वां ले लेते हैं, प्रश्न नंबर 7 ले लेते हैं, सघन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाती है, उसे 30 किलोमीटर दूर अपने बैंक में पहुंचने में कितना समय लगेगा, क्वेश्चन वही है समय निकालना है, दूरी कितनी है उसकी 30 किलोमीटर और चाल कितनी है सघन की कार की 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलो समय निकालते हैं, समय बराबर है दूरी भाग चाल, यानी कि दूरी कितनी है 30 भाग 4 60 है 30/60 इसको भाग कर देंगे 1/2 घंटा, 1/2 घंटे का मतलब क्या होगा उसको आधा घंटा 30 मिनट, कितना समय लगेगा बच्चों उसको 30 मिनट। अब सवाल आगे भी दिया हुआ है, यदि उसे 10 बजे बैंक पहुंचना है तो उसे कितने बजे घर से चलेगी वह, बैंक का समय 10 बजे होता है, उसे 10 बजे बैंक में पहुंचना है तो उसे पहले चलना पड़ेगा, कितना पहले चलना पड़ेगा आधा घंटा पहले चलना पड़ेगा, तो उसे कितने चलना पड़ेगा 9:30 पर चलेगी, मैंने घर से कितने बजे चलेगी बच्चों 9:30 पर। इसी प्रकार क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 9 आप खुद ही वर्कशीट पूरी करना, मेरे साथ गणित के सभी वर्कशीट करना मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो लाइक पसंद आए तो लाइक अवश्य करिएगा और मेरे साथ गणित को सरल और रोचक बनाने के तरीके सीखते रहिएगा। धन्यवाद।